जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 20 अक्टूबर 2019 दिन रविवार कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि सुबह 7:30 बजे तक रहेगी और उसके पश्चात सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 4:19 से लेकर 5:43 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। तो चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और आपको अपने मन से और अपने चरित्र से हर गलत आदत को छोड़ने का प्रण लेना है, जिससे आपको या आपके सगे संबंधियों को दुख पहुंचता है। जिन भी लोगों ने आपकी सहायता की है और जिन भी लोगों का आप एहसान मानते हैं, उनको आज धन्यवाद दें और खुश रखने का प्रयास करें। आज स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए दिन शुभ नहीं है और आज आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत होगी और बार बार विचलित होकर उनका दिमाग दूसरी चीजों की ओर आकर्षित होगा। आज काला या सफेद कंबल मंदिर के पुजारी या किसी जरूरतमंद इंसान को दान करें, इससे आपको केतु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप किसी की भी बातों में आकर एकदम से कोई भी डिसीजन ना लें और सोच समझकर ही कोई कार्य करें। आज यदि आप किसी से मुफ्त में कोई भी सामान लेते हैं तो वह उल्टा आपको परेशानियां देगा, इसलिए आज आप किसी से भी गिफ्ट लेना अवॉइड करें। आज आपको आलस्य करने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप प्रातःकाल उठकर व्यायाम करें और पवित्र होकर भगवान को याद करके अपने कार्यों में जुट जाएं। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं
मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा? आज आलस्य करने के कारण आप हाथ आई अपॉर्चुनिटीज को गवा बैठेंगे। आज आपको जरूरत है कि प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर अपने काम में जुट जाएं। आलस करने से ना आज तक कभी किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। आज आपको व्यवसाय में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और किसी एम्प्लॉय की नौकरी छोड़कर जाने से आपका काम आज रुक सकता है। आज आपकी मेहनत पर भी पानी फिर सकता है, जिस कारण आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन शांतिपूर्ण रूप से बीतेगा और आप अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे। आज काले कुत्ते की सेवा करके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे और आपको केतु देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मिथुन राशि वालों, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का राशि फल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको समाज के सामने मानहानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए आज आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना है जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। आज आपको अपनी बुआ के घर से कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, परंतु भाग्य आज आपके अनुकूल रहेगा। आज आपको प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। इस जल में गुड़ अवश्य मिलाए और जल चढ़ाते समय सूर्य देवता को जल की धारा में से देखें और उनको प्रणाम करें। इससे सूर्य देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपका आज का राशि फल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप किसी भी झगड़े फसाद में पड़ने से बचें, क्योंकि आज आप ऐसे शत्रु बना बैठेंगे जो आपका पीछा पूरे जीवन भर नहीं छोड़ेंगे और हर समय आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हृदय के मरीजों को भी आज अपना ध्यान रखना है। आज आप जुआ, सट्टा बाजार, शेयर इत्यादि में धन लगाने से बचें, क्योंकि आज आप उस धन को नष्ट कर बैठेंगे। आज आप दाद, खुजली या स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के कारण परेशान रह सकते हैं। आज आपको व्यर्थ में ही कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज आप तांबे की कोई वस्तु घर में लाकर रखें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज हृदय के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखना है। आज अधिक खर्चा होने के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। आज आपको जरूरत है कि आप अपनी संगति का विश्लेषण करें कि कहीं आप किसी गलत संगति में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो तुरंत ही ऐसी गलत संगति से बाहर निकलें और विद्वानों और अपने गुरुजनों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। आज आपको व्रत रखना चाहिए और प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर सूर्य देवता को मीठा जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज बंदर को भोजन कराना भी आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा
अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें और आज सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज आप अपने शिक्षक गण और गुरुओं का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें और उनकी सेवा करें, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा और आपकी गृहस्थी में शांति का माहौल बना रहेगा। आज आत्मविश्वास की कमी से आपका मनोबल थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताएं, उनसे अपने सुख दुख साझा करें, क्योंकि आज आपके सगे संबंधी ही आपका हौसला बढ़ाएंगे। धर्म स्थान के पास निवास करने वाले किसी काले कुत्ते को आज भोजन कराना आपके लिए बहुत शुभ होगा। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का राशिफल। आज आपको अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना है। आज उनकी सेहत खराब होने से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आज धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से आपके मान सम्मान में इजाफा होगा और आपको भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपको अपने नाना जी के घर से कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज आपको अपने घर की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपके यहाँ चोरी होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यदि आप आज बंदर के स्टैचू को घर में लाकर रखते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप लोगों को क्रोध करने से बचना है, अन्यथा आप अपने ही किए कराए पर पानी फेर देंगे। स्टूडेंट्स भी आज व्यर्थ में क्रोधित होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उनको थोड़ा तनाव भी हो सकता है। मेरा स्टूडेंट्स को यह सुझाव है कि यदि वे आए दिन ये महसूस करते हैं कि उनके परिश्रम के अनुकूल उनको फल नहीं मिल पाता है, उनके एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं,
तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरुजी या गुरु माँ से अपनी कुंडली दिखवाएं। वे आपको निश्चित ही ऐसे उपाय देंगे जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप सदैव ही एग्जाम्स में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। हम ये गारंटी लेते हैं कि यदि हमारे बताए उपायों को करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम आपके उपाय पर किए हुए सभी पैसों को लौटा देंगे। यदि आप आज गलत रास्तों से धन कमाते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी बरकत नहीं देगा और सदैव आपको अशुभता प्रदान करेगा। धनु राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और यदि उसके घर में, उसके परिवार में कलह चल रही है या दुख का माहौल बना हुआ है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज आपके घर में जो भी सुबह के वक्त प्रथम रोटी बने उसके 4 टुकड़े कर लें। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौवे को खिलाएं और चौथा टुकड़ा चौराहे पर जाकर रख दें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सभी समस्याओं में फायदा महसूस करेंगे और आपके परिवार में सुख का माहौल बनेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का राशिफल। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप दूध दान देते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज कोई व्यक्ति आपको विदेश भेजने की अवज में पैसे हड़पने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पूर्व उसका बैकग्राउंड वेरीफाई अवश्य करें। आज आपके मन में कुछ उल्टे सीधे विचार भी आ सकते हैं परंतु आपको पूर्ण रूप से धैर्य बनाने की जरूरत है। देखिए भक्तगणों, भगवान ने आपको बहुत ही किस्मत से मनुष्य जीवन प्रदान किया है। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसको आप सुलझा नहीं सकते। गुरु जी का तो ये कहना है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अर्थात आत्मविश्वास और परिश्रम से आप किसी भी संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परेशानी में आप कभी भी ना घबराएं और अपनी परेशानियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने गुरु के साथ साझा करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सरकारी कर्मचारियों को आज उनके प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर खर्च करने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। यदि आपके बच्चे विदेश जाकर पढ़ने का मन बना रहे हैं तो आज आपके द्वारा इस दिशा में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए शुभ होगा। आज आपको अपने पितृपक्ष से भी धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है परंतु लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज रक्तचाप गिरने से आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अपने भाई के साथ मिलकर आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उसमें आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे और आपको इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। समाज सेवा में कार्यरत लोगों को भी आज सम्मान प्राप्त होगा। आज घर में मृगशाला का उपयोग करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज लव लाइफ के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आज आप भ्रमित होकर गलत डिसीजन ले सकते हैं और शक करने के कारण आप अपने पार्टनर से झगड़ा कर बैठ सकते हैं।
आज यदि आपका कोई विदेश यात्रा करने का विचार बन रहा है तो अभी के लिए उसको टाल दें, क्योंकि विदेश यात्रा करने से आपको धन हानि होगी। आज स्वास्थ्य खराब होने से आप विचलित रह सकते हैं। आज आप बादाम ना खाएं और ना ही किसी से गिफ्ट लें। मीन राशि वालों, अगर आप अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपके किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें